झांसी की मऊरानीपुर में लेखपाल और ग्रामीणों के बीच सरकारी रास्तों पर कब्जा करने को लेकर विवाद बढ़ा। दरअसल पूरा मामला नगर डिमलोनी गांव का है, जहां ग्रामीणों ने लेखपाल द्वारा सरकारी रास्तों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि लेखपाल ने सरकारी जमीन को एक कब्जा धारक के नाम कर दिया था, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने तहसीलदार के पास पहुंचकर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद तहसीलदार स्वयं मौके पर पहुंचे और लेखपालों से नाप कराकर सरकारी रास्ते को सुरक्षित करवाया। लेकिन कब्जा धारक ने तहसीलदार के जाने के बाद उसी रास्ते पर दीवार बनाना शुरू कर दिया। परेशान ग्रामीणों ने बाद में उस दीवार को हटा दिया और इस वाकये को लेकर दोनों पक्षों में जमकर विवाद शुरू हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को हिरासत में लेकर थाने ले गई और ग्रामीणों से मामले को लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। भाई, तो जमीन का मैटर चल रहा है आपके, वहाँ पर क्या मैटर था? वो मैटर ऐसा था, उपेंद्र के संचालक के छोटे भाई हैं रविंद्र कुमार। तो अभी कुछ दिन पहले SDM साहब और नायब तहसीलदार कानून को नपाई पाई कर और उस पर नाली खुदवा दी थी। उसके बाद में हमारी ज़मीन चालू होती है, रोड थी हमारी, तो उस पर हम अपना बाउंड्री बना रहे थे, निर्माण कर रहे थे। तो कुछ लोग आए और उन्होंने हमारी बाउंड्री गिरवा दी, कुछ महिलाओं को बुलाकर बाउंड्री तोड़वा दी और उसके बाद में यहाँ से चले गए। कितने दिन पहले जाए नाप हुई थी आपको वहाँ पे? अब हमें डेट तो पता नहीं है, ध्यान नहीं है। लगभग एक महीना के समथिंग हो गया होगा। जानकारी आ रही है कि तहसीलदार साहब भी नापने गए थे, उस पर क्या निर्णय लिया गया? वो तहसीलदार साहब जब गए थे तो किसी को उन्होंने कोई इन्फॉर्म नहीं किया था, और वो तो गाड़ी में बैठे रहे, तो उन्होंने कोई नपाई तुलाई नहीं की। और जो संबंधित कोई लेखपाल थे वो कोई नहीं थे, बाहर आहर से जहाँ से भी आए हूँ अपनी तहसील के नहीं थे। तो उससे कोई नाप तो कोई कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, हम अपना काम कर रहे थे तो 3-4 लोग पहुँचे और उन्होंने हमारी बाउंड्री वहाँ पकड़ लिया। आदेश तो मिल गया होगा काम करने का? हमारे पास पहले ही से आदेश था, जो SDM साहब का था वो हमारे पास है। कहाँ की निवासी है? नहीं, डिमलोनी के। क्या मामला है जो आप दीवाली वाल क्यों गिरा रहे हैं? इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी जमीन है, ये लोग जबरदस्ती दीवाल बना रहे हैं। हम लोग कहाँ से निकलेंगे? हम लोग 20 फुट की रास्ता है, तहसीलदार साहब नाप चुके हुए हैं। जो क्यों ड्रामा लोग तो जब जब पहले आती नहीं तो पहले से बताते हैं आपके नहीं है, रास्ता नहीं है। तो तहसीलदार से बात की आपने? चुके क्यों आप आड़ में वो बना? तहसीलदार से बात की आपने? तहसीलदार से सबसे सबके सामने तो नप गया था रोड के, 20 फुट का रोड है सरकारी। तो नपने के बाद फिर जो है वो पत्थर वत्थर गड्ढी क्यों नहीं करा रहे? पत्थर गड्ढी उन्होंने चूना गया, वो हाल मिटा दे। तो फिर से जो है तहसीलदार साहब से कहो ना, तहसीलदार से कहते जो सरकारी जमीन है सरकारी में तो हमें रास्ता चाहिए, ना दीवार जो उनकी है वो अपनी ले ले, और जो सरकारी है उन्हें तो वो छोड़नी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। तो तहसीलदार जो है पुनः आके जो है नहीं जो है आ रहे हैं? तहसीलदार पैसा खाए जगह नहीं हो पाई जाए। जी, आज आप लोगों के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है जी, किन मुद्दों पर प्रार्थना पत्र दिया गया है, कहाँ से हैं आप? जी, मैं डिमलोनी मौजे में, मेरी ज़मीन है, मैं नीरज कुमार हूँ, पुत्र प्रेम नारायण जी। सर, अभी 13-12 में मेरी नाप हुई थी, जो तहसील SDM के आदेश पे तहसीलदार ने टीम गठित करके मौके पे 3 लेखपाल कानून गो साहब सब लोग की उपस्थिति में 1 बजे से दोपहर 1 बजे से शाम के 4:30-5 बजे तक नाप हुई, जो उसमें मौके पे हम लोगों के निशान लगा दिए गए थे। इसमें अवैध निर्माण चल रहा है सर, जो जयप्रकाश और रवेन द्वारा जो हमारी स्थिति निर्धारित कर दी गई थी, उस स्थिति को निशान मिटा के अपने निशान नए डाल के उस पर पिलर गाड़ के निर्माण किया जा रहा है सर, अवैध रूप से सरकारी ज़मीन पे और हमारी ज़मीन पे। अभी आपने जो अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? नाप हो गई थी सर, अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी सर वो उसमें जबरदस्ती करके नाली खोदी, नाली में निर्माण किया जा रहा है अभी सरकारी ज़मीन पे, और सर हम लोगों का रास्ता रोका जा रहा है। हम लोग 8-10 किसान लोग हैं जो पीछे भी किसानी करते हैं, खेती करते हैं सर, उनका रास्ता रोक के, और जो गैस गोदाम वाले हैं जो पिछले काफ़ी सालों से जो सेक्टर भी जो अपने कब्जे में किए हैं सेक्टर से निकलने नहीं देते हैं, और सरकारी नाली पे भी कब्जा किए हैं, इनके वाहन जाते हैं और अपने वाहनों से गेट लगा लिया है आगे, और गिरना किसी को निकलने देते हैं ना, आवागाही पूरी बंद है। क्या नाम सर? हमारा घनश्यामदास शहरवार। कहाँ से हैं आप? सब गांधीगंज से। आप लोगों की क्या शिकायत रही है यहाँ पे? सर, वो नाली की शिकायत है हम, उनकी काफ़ी 7 साल से मालूम चल रही है। पिछली बार भी नाप हुई थी, टीम गई थी 19 में, और साहब दूसरी बार अभी साहब गए थे मौके पे, सर 5 लेखपाल गए थे, कानू साहब गए थे,
तो उन साहब नाप की थी, उन साहब अपनी वो निशान लगवाए थे और वो साहब नाली पे साहब प्रेस कर उनका मालूम वो है कब्जा और साहब वो साहब पूरा अपनी बॉन्डी वॉन्डी बना रहे मालूम आज बना रहे उनका काम चल रहा है। अभी कितने लोगों की आबादी है वहाँ पर? सर वहाँ तो काफ़ी लोग हैं, पीछे भी मकान बने हुए हैं काफ़ी साल से, मैम साहब का कुआ है पीछे। तो जो नाप हुई थी वो सरकार की तरफ से उसमें रास्ता दिया गया था? हाँ। उनकी तरफ से क्या किया जाए, बंद किया जाए? हाँ। अभी क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? सर अभी तो हमको कुछ नहीं मिला है। क्या कह रहे हैं आपके अधिकारी? आप साहब एस डी साहब तो यहाँ पर मौके पे है नहीं, अभी भी काम चल रहा है? हाँ निर्माण कार्य चालू सर, मौका अभी देखा जाए साहब वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन साहब जो वहाँ पे गैस एजेंसी का मैटर चल रहा है, जमीन का विवाद का क्या मैटर है वहाँ पे? मैटर कुछ नहीं है, गूल का मैटर था एक, तो वो गूल का एसडीएम साहब के आदेश से हम लोग गए हुए थे, उसके पहले भी पुनः नाप हो चुकी थी, व्यक्ति वो लोग थे कि वो मानते नहीं थे वो दोनों पार्टियाँ, तो फिर एसडीएम साहब के आदेश से गए थे, नायब तहसीलदार गए थे, कानून को गए थे, दो लेखपाल गए थे, तो गए उसी टाइम में सरकारी जेसीबी मंगवाई थी और जेसीबी से खुदवा के और जेसीबी से वो गूल खुदवा दी गई थी। तो कब नाप हुई थी ये नाप? उसमें डेट तो मुझे अभी याद नहीं है, आदेश ही लिखा हुआ है, मैंने रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट पे लिखी हुई है, मेरे ख्याल से कभी महीने भर होने वाले होंगे करीब। तो जो विवाद किस बात पे लेकर चला जाए उनका विवाद क्यों दोबारा हो गया नाप होने के बाद? अब जो बात ये इसलिए हो गया कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ने जो गोली है जो रास्ता है वो हमारे गूल में है, वो लोग ये कहते हैं। तहसीलदार साहब कहते रात में नापने के लिए? अब तहसीलदार साहब जब गए थे तब तो मैं छुट्टी पे था, देखो वो गए थे मेरे पता है, वहाँ पर घनी बस्ती भी, वहाँ पर निकलने वालों को भी बहुत काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब तो है ही रास्ते, हाँ रास्ता, लेकिन आपके पास कोई आदेश नहीं था क्या नाप करने का? अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है यार, वो तो आप उनसे पूछ लीजिए, उनको आदेश हुआ कोई ना कोई तब तो गए होंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170